आप देखिए मेरे साथ एक ऐसा परिवार है, सिख परिवार मौजूद है जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे इनके साथ, खुद वो अपने भी मौजूद है। सर आज तो संडे था, आप आईटी फील्ड के लोग हैं, घर पे आराम कर सकते थे। सर जिंदगी में 40 साल में पहली बारी आज देश के प्रधानमंत्री को देखने का हमें अवसर मिला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बहुत भीड़ होगी। कल करीबन 10 लाख लोग मोदी जी को देखने के लिए आए थे, आज ये हमारे क्षेत्र में आए हैं, आज इसीलिए हम यहाँ पर हैं। इसलिए आपने तय किया कि संडे की कोई बात नहीं, हम मोदी जी को देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी साथ हमारे साथ एक माता जी भैया हाथ में फूल लिए हुए हैं, क्या भावना है आपके मन में? मेरे मन में अपने मोदी जी के लिए बहुत बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी भावना है, क्योंकि मोदी वो नायक है जिसने राष्ट्र को इतने ऊंचाई पर डाल दिया कि हम कह नहीं सकते। हमारे बुंदेलखंड में एक गाना है जो हम शादी ब्याह में गाते हैं, मैं उसकी दो पंक्तियां मोदी जी के लिए बोलना चाहती हूँ। आज हमारे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, अबीर उड़त है। रंग जो बरस रहे हैं ये क्या करना, ये कर्नाटक की धरती। सो आज बेंगलुरु में मोदी आगमन के रंग बरसत है। देखिए विशाल किस तरह की भावना है, ये कह रहे हैं कि आज हमारे आंगन में रंग बरसत है, हाथ में फूल लेकर के ये मान रही हैं कि आज बेंगलुरु में जो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो एक तरह से रंग बरसा रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए हाथ में फूल लिए लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और बस इंतजार है इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी कब यहाँ से गुजरे, कब उनको उनकी एक झलक देखने के लिए मिले, और हाथों में जो पुष्प है वो उनके ऊपर में वो चढ़ा सके और उनको देख सके, उनका उनकी मुस्कुराहट का खुद महसूस कर सके। जी विशाल, जयपाल चुनाव को लेकर इनका क्या सोचना है, जरा ये भी इनसे पूछिए कि जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है क्या ये वोटों में कन्वर्ट होगी? जी बिल्कुल, आप ये बताइए कि जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, जो भीड़ यहाँ पर आई है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आई है या वोट में भी? मोदी मेरा गुरु है। नहीं, या सिर्फ गुरु है या वो वोट भी देंगे आप उनको? जरूर है, जरूर दे देंगे वोट। आपको लगता है कि भीड़ सिर्फ देखने नहीं आई है, वोट देने भी आई है? वोट भी देना, मोदी को देखना फर्स्ट। ओके, आपको क्या लगता है कि क्या ये भीड़ जो है ये वोट पे कन्वर्ट होगी? तो कन्वर्ट होगा, अभी बेंगलुरु में पूरा कर्नाटक में कन्वर्ट होगा, 125 वोट मिलता है हमारे को। ओके, कह रहे हैं कि दो दिनों के रोड शो ने पूरा माहौल बदल दिया, आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी की ऐसी विजन है जिसके लिए हम लोग जरूर बीजेपी के लिए ही वोट डालेंगे, क्योंकि उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स, हमें वंदे भारत जो जिसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी, ऐसी वर्ल्ड फेमस ट्रेन हमारे यहाँ है। Zee News।